भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आज हो गई दिल्ली में अच्छी खासी बारिश, तो हो गई ठंड, तो अंडे खाने का तो मौसम आ चुका है। और यकीन किस पे करोगे आप? छोटू भाई पे करें यकीन। देख लो यार, आमलेट खाने के शौकीन छोटू भाई पे करें यकीन। तो स्वागत है आपका देसी बुक्कड़ में। आज हम आपके लिए आए हैं स्पेशल एग ऑमलेट। हम आए हैं झील चौक। याद है हमने एक वीडियो डाला था गब्बर कढ़ी चावल का, उनके साइड में लगाते हैं रेडी बिल्कुल। ये टांगा स्टैंड के पास है गाइस, झील चौक पे जैन ढाबा है, उसके सामने लगाते हैं बिल्कुल रेडी। एक बार देखते हैं अंदर के, स्पेशल ऑमलेट बनाएंगे इनका बढ़िया वाला। कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। फिर इसको रेट करेंगे आउट ऑफ 10 कि 10 है, 5 है, 20 है, 25 है, जो भी नंबर है ना गाइस, हम तो 500 भी देते हैं 10 में से। एक बार देखते हैं, बनवाते हैं, फिर टेस्ट करेंगे उसको, फिर आपको देंगे उसका ओवरऑल रिव्यू। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जो इनकी टैग लाइन है ना कि छोटू भाई पर करें यकीन, ये हमारे साथ छोटू भाई यही बनाते हैं। जो टेस्ट से ऑमलेट बनाते हैं ना, उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका देसी बुक्कड़ में। हाँ जी सर। हाँ तो सर बताइए, आपकी दुकान कितने साल से है यहाँ पे? सर 30 सालों से हमारे। 30 साल से? आपकी एज क्या है? सर हमारे तो 25 साल है अभी। 25 साल है जो यहाँ की पहले से? हाँ जी हाँ जी, जो हमारे लाला जी थे, जो हमारे पापा थे, वो मतलब लगाते थे। तो गाइस ये 30 साल पुरानी शॉप है। और ब्रदर आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्या सबसे अच्छा बनाते हैं जो लोग पसंद करते हैं आपका? सर स्पेशल ऑमलेट बन जाएगा, चीज बन जाएगा, और हाफ फ्राई और भजिया भी बन जाएगा। और स्पेशल ऑमलेट का प्राइस क्या है? हाँ जी 85 रुपये। तो देखो यार, ये रेडी हो रहे हैं स्पेशल ऑमलेट बनाने के लिए। तो गाइस हमने स्पेशल ऑमलेट ऑर्डर किया है, वो 85 रुपीज़ का है। देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। चलिए हो जाइए शुरू छोटू भाई। ये दो अंडों में मसाला डल चुका है, क्या बात है। और ये क्या डाला है आपने? ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन टमाटर होता है इसमें। क्या होता है इसमें? अदरक लहसुन टमाटर। अच्छा, अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट गया है इसके अंदर। और अब जा रही है इसके अंदर वेजीज। ये गई प्याज, क्या बात है, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर और हरा धनिया, क्या बात है। यानी सारी सब्जियां इसमें डाल चुके हैं जो ऑमलेट में आप सोच सकते हैं ना, क्या बात है, ये तो बेहतरीन। और ये गया हमारा स्पेशल, क्या है ये? मक्खन। मक्खन सर। कौन सा मक्खन? अमूल का सर। अमूल का बटर डल रहा है यार, देख लो दोस्तों, यानी अमूल बटर, कोई ऐसा सा बटर यूज नहीं करते, ये अमूल बटर यूज कर रहे हैं, क्या बात है। और ये गए फैटे हुए दो अंडे इसके ऊपर। और दोस्तों ये है ब्राउन ब्रेड, यानी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये ब्राउन ब्रेड है। ये लो, ये गया ब्राउन ब्रेड, क्या बात है यार। अरे ऊपर से मसाला सही। और इन्होंने गार्निश कर दिया है हरे धनिया से, क्या। और ये ऊपर से टमाटर के स्लाइसेस डालेंगे आप हैं, क्या बात है गाइस, यानी स्पेशल ऑमलेट सच में स्पेशल है यार। और ये आया अमूल चीज का स्लाइस, चीज स्लाइस डाला है इन्होंने ऊपर से, या भाई साहब क्या बात है। ये गया चीज स्लाइस। और ये है अमूल क्रीम, यानी सारे आप चीजें अमूल की यूज करते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी सब अमूल की है। अरे नाइस, देखो यार दोस्तों अच्छी खासी क्रीम डाल दी है इन्होंने ऊपर से, कोई कंजूसी नहीं है क्रीम के अंदर। और ये गया मसाला, चाट मसाला, चाट मसाला, चाट मसाला। और ये बेहतरीन तरीके से सिक्चर है, तो कलर देखो दोस्तों कितना बढ़िया आ रहा है इसका। इन्होंने कर दिया 4 पीस में इसको कट। ये टमाटर इन्होंने अच्छे तरह से कहते हैं ना फ्राई करें। और ये बन गया हमारा स्पेशल ऑमलेट, क्या बात है। ये ऊपर से पनीर डाल रहे हैं, अरे बॉइल्ड एग, अच्छा बॉइल्ड एग डाला है ऊपर से, तो कहते हैं टेस्ट में जो झटका आता है वो बॉइल्ड एग से आएगा, क्या बात है। ये देखो दोस्तों, दिस इज अ स्पेशल ऑमलेट मेरे प्यारे दोस्तों, ये है स्पेशल चीज ऑमलेट छोटू भाई का। तो गाइस देखो, इन्होंने आपको मैंने दिखाया था क्या क्या डाला है इन्होंने, ये आपको दिखा दो। देखो यार ये चीज़ जो खिंच रहा था ना, स्लाइस डाला था इन्होंने, वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है अंदर,
वह ट्राई करते हैं इसको और आपको देते हैं इसकी रेटिंग। चलिए इसको गाइस कैसे खाना है आपको? पिज़्ज़ा खाया ना आपने, वैसे ऊपर का हिस्सा अलग नहीं खाना, एकदम ऐसे अंदर भरा हुआ है ना जो चीज़ वीज, ये देखिए वो खाना है ऐसे। क्या बात है यार। जो चीज़ अंदर मेल्ट हुआ है ना गाइस, उसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा आ रहा है यार। टू गुड, नाइस। और आपने वेजीज देखी, सबको डाला है इन्होंने, तो चीज़ का टेस्ट और जो वेजीज का मिल के टेस्ट आया है ना यार, टू गुड, वेरी गुड। वन मोर। अमूल बटर इन्होंने डाला है जो थोक के भाव में ना, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, टू गुड। चीज़ का टेस्ट, अमूल का टेस्ट और अमूल क्रीम का टेस्ट, अमूल बटर, अमूल चीज़, अमूल बटर, अमूल चीज़ और अमूल क्रीम, तीनों का टेस्ट जो आ रहा है ना गाइस, वो इस आमलेट को ना सुपर से ऊपर लेके जा रहा है, नाइस। और इन्होंने ग्रिल किया था ना टमाटर फ्राई पैन के ऊपर। नाइस सर, टू गुड। यार मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, यानी चीज़ की क्वांटिटी कम नहीं है यार, देखो अमूल क्रीम और चीज़ ना बेहतरीन लग रहा है, देख लो आप, मज़ा आ जाएगा। हाँ तो यार हमें तो बहुत अच्छा लगा ये, सही में बहुत बढ़िया लगा हमें तो। भाई अब आती है रेटिंग की बारी, आउट ऑफ 10 मैं कितना देता हूँ इसे, आपको क्या लगता है? मैं दूंगा इसको आउट ऑफ 10 9.5 रेटिंग, 9.5 रेटिंग आउट ऑफ 10 इज़ अ वेरी गुड रेटिंग गाइस, बहुत अच्छा आमलेट है। तीखा आप बैलेंस करवा सकते हैं, मसाला अपनी मर्ज़ी से डलवा सकते हैं इनसे आप चाहें तो, जो आपका मन करे, कि आप कह रहे हैं तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च डलवा लो, और आपको तीखा नहीं पसंद है तो हरी मिर्च कम डलवा लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन ऑमलेट है। एड्रेस मैंने आपको बताया था इनका कि जैन ढाबा के सामने और गब्बर कढ़ी चावल के साइड में, और मैं आपको स्क्रीन के नीचे भी इनका एड्रेस दूंगा, और गूगल मैप का लिंक भी है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट गूगल मैप के थ्रू आ सकते हैं। तो फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, किसी के साथ भी आओ, एक ऑमलेट बहुत अच्छा है, नो डाउट। सर्दियों का तोहफा ऑमलेट, इसको मैं फिनिश करता हूँ एक बार, तो आपको उसका ओवरऑल रिव्यू देंगे और बात करेंगे इनके ओनर से एक बार कि और क्या क्या इनकी स्पेशलिटी है। चलिए सो गाइस, हमने इनका स्पेशल ऑमलेट ट्राई किया था, हमें तो बहुत बेहतरीन लगा यार, हमने तो उसे रेटिंग दी 9.5 आउट ऑफ 10, दैट इज़ वेरी गुड रेटिंग। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं छोटू भाई अंडे वाले के जो ओनर है ना, मिस्टर कपिल सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो सर एक बार बताइए, आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पे रेडी? 30 सालों से। 30 साल हो गए आपको? हाँ जी। तो गाइस 30 साल से रेडी लग रही है यार, तो यानी जिस बंदे को 30 साल का अनुभव है ना अंडे बनाने में, ऑमलेट बनाने में, उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। तो स्टार्ट किसने किया था बिजनेस? फादर ने। आपके फादर ने स्टार्ट किया था। तो गाइस आप ये बताइए, आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है यहाँ पे? और चीज ऑमलेट बन जाएगा, स्पेशल ऑमलेट ट्राई किया, वो स्पेशल। हाँ जी, स्पेशल ऑमलेट बन जाएगा। ओके। हाफ फ्राई, बॉइल्ड एग फ्राई, बॉइल्ड एग भुजिया, भुजिया बन जाएगी। तो जिम वालों के लिए क्या स्पेशल है आपके पास? जिम वालों के स्पेशल ऑलिव ऑयल वाला ऑमलेट बन जाएगा, ऑलिव ऑयल वाला विदाउट योक। ये लो यार, विदाउट योक, यानी जो होते हैं अंदर वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, योक जो होता है आपका येलो कलर का अंडे के अंदर होता है ना, वो हटा देंगे, उसे जर्दी बोलते हैं जैसे हम, तो वो हटा देंगे और ऑलिव ऑयल में बनाएंगे यार। तो जिम वाले भी एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लो कैलोरीज होगा? हाँ जी बिल्कुल, लो कैलोरी। फार्मी अंडों के अलावा आप देसी अंडों में? देसी अंडों में, देसी अंडे भी मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आपको देसी चाहिए, फार्मी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ मिले। नागपाल के यूज करते हैं, लोकल नहीं करते। नागपाल के देसी अंडे, लोकल नहीं। और इसका देसी अंडों का ऑमलेट कितने का है? 65 का। और जो मैंने खाया है ये स्पेशल ऑमलेट, ये मैं बनवाता हूँ, इसमें कितने का होगा ये? 95 95 यार, अच्छी खास है यार, ज़्यादा महंगा नहीं है गाइस, 95। और अगर अगर किसी का कैश कम पड़ जाए तो डिजिटल पेमेंट भी है? हाँ जी बिल्कुल, डिजिटल पेमेंट है, सब कुछ है जी। मोदी जी के सारे यूज़ कर रखे हैं इन्होंने फॉर्मूले, कि फोन पे भी है, पेटीएम भी है, किसी से भी कर सकते हो। अगर आप यानी अगर किसी बंदे को यहाँ पे आना है तो आप कैसे एड्रेस बताएंगे उसे? जी झील चौक, झील चौक, जैन ढाबा के सामने, जैन ढाबे के सामने, झील चौक। हाँ जी। ओके, तो देखो गाइस जैन ढाबा के बिल्कुल सामने लगाते हैं झील चौक। और टाइमिंग क्या है आपकी? 4 to 11 तो शाम को 4 बजे आते हैं, रेडी लगाते हैं, और रात को 11 बजे तक इनकी रेडी लगी रहती है। तो गाइस मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरा तो ऑमलेट
बचा हुआ है, ये तो ठंडा हो जाएगा बातें करते करते। मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। इनसे बोलते हैं अपने ग्राहकों पे ध्यान देंगे और हम इसको पूरा रेट करके आपको देंगे इसका ओवरऑल रिव्यू। जुड़ रहेगा हमारे साथ। दूसरा दो दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या ये खा रहे हैं और कब से आ रहे हैं और रेट करने को बोलेंगे तो कितना रेटिंग देंगे। हाय गाइस। हेलो। तो गाइस क्या एंजॉय कर रहे हैं मुझे बताएंगे आप? हाँ, मैं चीज़ भुर्जी कर रहा हूँ। चीज़ भुर्जी? क्या चीज़ भुर्जी? कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे बताएंगे? मेरे को हो गए 2 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स हो गए। तो आप यही एंजॉय करते हैं, कुछ और भी खाते हैं? हाँ, कुछ और भी खाता रहता हूँ चेंज करके। तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अगर मैं बोलूँगा 10 में से रेटिंग देने के लिए कितना रेटिंग देंगे? हाँ, 9 दूंगा रेटिंग। 9 देंगे रेटिंग।